Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माउस और कीबोर्ड गेमिंग कॉम्बो के बारे में। यहाँ पर मैंने देखा आप में से कई सारे लोग बजट सेगमेंट में रहते हुए अच्छे गेमिंग पेरिफेरल्स लेना चाहते हैं। यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम केवल यही होती है कि अगर आप गेमिंग पेरिफेरल्स लेने जाते हो जैसे कि गेमिंग कीबोर्ड या गेमिंग माउस, तो वो भाई बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आपका भी यहाँ पर मन करता होगा कि भाई कम पैसे में हमें एक बढ़िया सा गेमिंग कीबोर्ड या गेमिंग माउस मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पर हम लोग गेमिंग कॉम्बो के बारे में थोड़ा सा बात करें। आप अगर Amazon पे जाते हो और गेमिंग कॉम्बो सर्च करते हो ना, तो यहाँ पर आपको कॉस्मिक बाइट का डार्क मैटर देखने को मिलता है जो कि 1400 रुपए का आपको आराम से मिल जाता है। अब मैंने भी इस कॉम्बो को मंगवा लिया था क्योंकि जो इसकी रेटिंग थी Amazon के पेज पे वो बहुत ज्यादा थी और ये अच्छी कंपनी से भी आता था। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा होता है। बॉक्स के अंदर आपको आपका कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और राइट साइड पे आपको माउस देखने को मिल जाता है। साथ ही में बॉक्स के अंदर आपको एक मैनुअल भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर थोड़े बहुत कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आप माउस को कैसे यूज करेंगे और कीबोर्ड को कैसे यूज करेंगे। बात करें अगर दोनों ही की क्वालिटी के बारे में, तो भाई यहाँ पर जो आपको क्वालिटी देखने को मिलती है वो काफी अच्छी है। 1400 रुपए के हिसाब से यहाँ पर जो आपको क्वालिटी मिल रही है उस लिहाज से मैं काफी सरप्राइज हूँ। यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। भले ही दोनों का कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ जरूर है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं दिखने में कहीं से भी चीप नहीं लगता है। दोनों ही पेरिफेरल्स में यहाँ पर जो आपको केबल देखने को मिलता है वो ब्रेडेड केबल नहीं है, लेकिन इससे ठीक है यार, 1400 रुपए के हिसाब से चलता है। अब ये पेरिफेरल्स जो होने वाले ना 1400 रुपए के हिसाब से आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और एक और चीज है जो कि आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है जो कि है हमारे स्पॉन्सर्स smcinternational.in। आप में से जो लोग एक ऐसा पीसी खरीदना चाहते हैं जो कि आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे कम प्राइस पे आए, तो आप लोग smcinternational.in को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एज चीप एज 20,000 रुपए का भी गेमिंग पीसी देखने को मिल जाता है, और अगर आप अच्छा वाला पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो वो भी आपको काफी कम प्राइस पे देखने को मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी वेबसाइट का लिंक और यहाँ पर मैं कूपन कोड दे रहा हूँ, अगर आप उसे यूज करते हो तो आप अच्छा खासा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में, फिर थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे माउस के बारे में भी। बात करें अगर कीबोर्ड के बारे में, तो भाई फर्स्ट हम जो यहाँ पर आप नोटिस करते हो ना इस कीबोर्ड में, वो ये है कि भाई जो उसका वेट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लाइट वेट कीबोर्ड है। हो सकता हो आपके माइंड में ये भी बात आ रही हो कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग टेबल पर रखें तो ये इधर उधर भागे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कीबोर्ड के नीचे रबर पैड लगे हुए हैं। और बैक साइड में ही यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा बहुत यूजफुल भी होता है। फ्रंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई फर्स्ट लुक जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना इस कीबोर्ड में, भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर जो कॉस्मिक बाइट ने ट्राई करा है वो आपको गेमिंग लुक प्रोवाइड करने का काफ़ी ट्राई किया है। यहाँ पर आपको जगह जगह RGB देखने को मिल जाती है, जो लुक देखने को मिलता है वो काफ़ी गेमिंग वाला है। बाकी इस कीबोर्ड का जो लेआउट है ना वो फुल साइज़ कीबोर्ड है, यानी कि आपको नम पैड भी देखने को मिलता है। हालांकि डेडिकेटेड मीडिया कीज़ तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप FN बटन का यूज़ करके मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये अच्छी लगी है कि भाई 1400 रुपए का होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर इस कीबोर्ड में RGB फीचर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे कलर भी देखने को मिलते हैं। और इनकेस अगर आप कोई इफेक्ट चलाना चाहते हो तो आप इफेक्ट्स भी चला सकते हो या RGB लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको कीज़ के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको रबर कीज़ देखने को मिलती हैं। जाहिर सी बात है भाई 1400 रुपए वाला आप कॉम्बो ले रहे हो तो कोई स्विचेस वाले कीबोर्ड देखने को नहीं मिलने वाले, तो टाइपिंग वाइपिंग करने में या नॉर्मली गेम्स खेलने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वही दूसरी तरफ अगर बात आती है माउस की, तो पर्सनली माउस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर जो आपको माउस देखने को मिलता है उसका जो वेट है ना वो ठीक ठाक है। ई स्पोर्ट्स गेम खेलने के लिए मैं मानता हूँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप लाइट वेट माउस प्रीफर करते हो। बाकी यहाँ पर जो आपको ओवरऑल फिनिश देखने को मिलती है इस माउस में वो मैट फिनिश है, तो ग्रिप जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बाकी अगर बात करें साइज़ की, इस माउस का जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, तो अगर आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा छोटा है माउस को हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप माउस को आराम से यूज़ कर सकते हो। हालांकि माउस में यहाँ पर आपको RGB का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, एक लाइट है जो केवल खुद ही साइकिल करती रहती है, आप कोई खुद से कस्टम कलर सेट नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है ये माउस एक गेमिंग माउस है, तो बीच में आपको एक DPI बटन भी देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से आप DPI को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 800, 1200, 1600 एंड 2400 DPI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मैं मानता हूँ नॉर्मल यूजर्स के लिए या गेमर्स के लिए सफिशियंट होता है। बाकी इस माउस में जो आपको क्लिक्स देखने को मिलते हैं ना वो बहुत क्लिकी नहीं है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए मैं मानता हूँ मोर देन इनफ है। हालांकि लेफ्ट साइड पे जो आपको दो एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड, उनका जो क्लिक रिस्पॉन्स है ना वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा।
नाउ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। अब यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा इस चीज को देखने के लिए मैंने इस कीबोर्ड और माउस को ना लगभग 3-4 दिन मैंने यूज करा है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। देखो यार, अगर आपने इससे पहले कोई भी अच्छा वाला गेमिंग माउस या गेमिंग कीबोर्ड यूज नहीं किया है, आपका ये पहला गेमिंग कॉम्बो होने वाला है ना, तो भाई आप इंजॉय करने वाले हो। दोनों ही के साथ यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर आपको कीबोर्ड में टाइपिंग में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन जो आपको रेस्पॉन्स मिलता है, जो आपको फीडबैक मिलता है बटन दबाते टाइम, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। वही दूसरी तरफ अगर बात आती है माउस की, माउस का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा होगा अगर आप उसे थोड़ा सा लिमिट में रहकर यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो फोटोशॉप के लिए या विंडोज़ ब्राउज करने के लिए या इंटरनेट यूज़ करने के लिए, थोड़ा बहुत अगर आप गेमिंग भी करते हो जैसे कि GTA 5 जैसा गेम हो गया या Assassin's Creed, नॉर्मली स्टोरी टाइप अगर आप गेम खेलते हो ना, तो ये माउस परफेक्ट है, मोर देन इनफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वही अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होकर खेलने लगते हो, CSGO जैसा गेम खेलने लगते हो और आप लो DPI पे खेलते हो ना, तो यहाँ पर आपको ट्रैकिंग जैसी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप वैलोरेंट में फ्लिक शॉट मारते हो या CSGO में ऑप जैसी गन्स यूज़ करते हो ना, तब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि दूसरे बजट माउस में आपको देखने को मिलती है। जब आप कोई बहुत अल्ट्रा लो बजट वाले माउस यूज़ करते हो ना, तो उनमें भी ट्रैकिंग प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, ऐसा नहीं है केवल इसमें फ्लॉ है, इस प्राइस रेंज में जितने भी माउस आते हैं ना, उन सभी में ये प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आपने इससे पहले कोई भी बहुत ब्रांडेड माउस या कीबोर्ड यूज़ नहीं करें, आपका ये फर्स्ट वाला होने वाला है ना, और आप बहुत हार्डकोर गेमिंग नहीं करते हो, मैं मानता हूँ इससे अच्छा गेमिंग कॉम्बो आपको नहीं मिलने वाला। दूसरे कॉम्बो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फिर वहाँ पर आपको कस्टम कलर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लुक्स भी यहाँ पर आपको जो फाइनल देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी है और यूज़ करने में भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप में से जो लोग इस कॉम्बो को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस कॉम्बो का बेस्ट बाय लिंक देखने को मिल जाएगा, जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, ये तो इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।